लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों के परिवारों से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। अभी तक मंत्री का बेटा जो हिंसा का आरोपी है उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब तक गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाता और उसके आरोपी बेटे को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक आम आदमी पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी। संजय सिंह ने यह भी कहा कि इस सरकार की तानाशाही जनरल डायर की याद दिलाती है। देखिए, लखीमपुर कांड जो हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद दिल दहला देने वाली घटना हुई, जिसमें सत्ता के नशे में मदहोश नेताओं ने ये बताने का काम किया कि किस तरह से किसान को कीड़ा मकोड़ा समझ के उनको रौंद के कुचल के मारा जा सकता है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी 25 सितंबर को एक बयान देते हैं और उसमें वो कहते हैं कि मेरा इतिहास पता कर लेना, मैं विधायक सांसद मंत्री तो बाद में हूँ, पहले क्या था ये जान लेना और 2 मिनट में सबको ठीक कर दूंगा। और ये भी कहा कि लखीमपुर ही नहीं दुनिया छोड़ना पड़ेगा, दुनिया, और उन्होंने दुनिया छोड़वा दी। इतनी बड़ी घटना हुई जो आप वीडियो देखेंगे तो आपकी आत्मा हिल जाएगी। और वो वीडियो देखकर अभी तक आदित्यनाथ जी की संवेदना नहीं जागी, मोदी जी की संवेदना नहीं जागी। कुचल कर किसानों को मार दिया गया, एक संवेदना के शब्द देश के प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं। ब्राजील के फुटबॉलर के लिए, अर्जेंटीना के फुटबॉलर के लिए शोक संवेदना हमारे प्रधानमंत्री जी कर देते हैं। लखनऊ में महोत्सव मनाने के लिए आते हैं लेकिन पूरा देश सदमे में है, लखीमपुर नहीं जा सकते। ये है ये सरकार। आपकी क्या आगे? हमारी बहुत साफ तौर पे मांग है, पांचों परिवारों से मैं मिला हूं, रमन कश्यप जी जो पत्रकार थे उनके परिवार से भी मिला, लवप्रीत सिंह जी के परिवार से मिला, नक्षत्र सिंह जी के परिवार से मिला, आज यहाँ दलजीत सिंह जी के और गुरविंदर सिंह जी के परिवार से मिला। सबका एक स्वर में कहना था मंत्री की बर्खास्तगी होनी चाहिए और उसके बेटे की, दोषियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर आदित्यनाथ जी ये सोच रहे हैं कि इसमें लीपापोती करके काम चल जाएगा तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। एक हफ्ते का भरोसा आपने दिलाया है परिवार को कि दोषियों पे आप कार्रवाई करेंगे, नहीं करेंगे तो आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में इसको लेकर आंदोलन करेगी। हम लोग चुप बैठने वाले लोग नहीं। गुरविंदर सिंह के परिवार ने कोई आपको वीडियो ऐसा दिखाया जिसमें गोली के निशान थे, उसके लगे थे? गुरविंदर सिंह का परिवार का यह कहना था कि हमारे बेटे को गोली लगी है और पोस्टमार्टम की पहली रिपोर्ट में आया नहीं। उस समय परिवार ये चाहता था कि परिवार का कोई सदस्य पोस्टमार्टम के दौरान वहाँ मौजूद रहे या उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाए। पहले पोस्टमार्टम की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग उनको उपलब्ध नहीं कराई गई, जबकि उनको कहा गया था कि वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी और गोली की बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गायब कर दी गई। ये परिवार का सीधा कहना था, तो इसलिए न्याय कैसे हो पाएगा जब पोस्टमार्टम के स्तर पर ही तमाम सवाल उठ रहे हैं। और जब मैं तो एक ही बात कह रहा हूं कि देश का गृह राज्य मंत्री कोई छोटा पद नहीं होता, उसके अधीन तमाम जांच एजेंसियां आती हैं जिनको जांच करना है। तो जब एक मंत्री अपने पद पर रहेगा तो जांच निष्पक्ष कैसे हो पाएगी? सर्वोच्च न्यायालय तक ने पूछा कि उत्तर प्रदेश ने अपराधियों की गिरफ्तारी की कि नहीं की। अगर सर्वोच्च न्यायालय को पूछना पड़ रहा है तो चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ लेना चाहिए उत्तर प्रदेश के शासन को। ऐसा शासन चल रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, तो ये बहुत दुखद है। बहराइच से नूर आलम वारसी की रिपोर्ट।